Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan's first free of cost learning platform V-Tuition से, जहां आपको free video lectures, free of cost past paper solution, model paper solution करवाए जाते हैं और इसके साथ साथ PPTs and notes जो हैं वो आपको V-Tuition पर ही available हैं। अगर dear student आपने हमारे channel को V-Tuition को subscribe नहीं किया तो आप जो है वो V-Tuition को subscribe कर लें और bell के icon को press कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो लेक्चर जो है वो और पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन पर इजीली जो है वो अवेलेबल हो और इसके साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं ताकि आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर आप अपने जो है वो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। पास पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो के हमारे पास जो है वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसका सेक्शन सी जो के हमने जो है वो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आज स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पास्ट पेपर सॉल्यूशन के अंदर है मॉडल पेपर सॉल्यूशन में, और जो है वो डिटेल सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर किए गए थे, वो आप जो है वो वहां से वी ट्यूशन से आप स्टडी कर सकते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। और इसके साथ डियर स्टूडेंट आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं पास्ट पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज क्योंकि जो है वो एक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस ये 100% है और इसके साथ साथ आपके जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आप किसी भी एग्जाम के अंदर एंटर होते हैं या आप किसी भी जगह जो है वो अप्लाई करते हैं तो वहां ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ डी स्टूडेंट ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए स्टूडेंट और अक्सर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोफेशन लोग भी जो है वो प्रॉब्लम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के, और हाइब्रिडाइजेशन ही केमिस्ट्री के अंदर हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है और अक्सर जो है वो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डाल देते हैं और जो है वो देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसकी कितनी जो है वो इसके ऊपर जो है वो ग्रिप है, उसकी कितनी जो है वो नॉलेज है, कंसेप्ट है, कि ये क्वेश्चन डालते हैं कि आप बताएं कि आपके पास जो है वो NaCl है तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो डी स्टूडेंट जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि इसकी कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि आयनिक कंपाउंड की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हुआ करती। और फिर एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह दे देते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव नो स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्यों नहीं होती, तो इसका भी आप रीजनिंग आंसर करेंगे, बिकॉज आयनिक कंपाउंड तो जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो किसी भी साइड से हो सकती है, उसके अंदर ऑर्बिटॉल्स की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनते हैं और उसके अंदर हमेशा जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा कोई भी जो है वो ओवरलैपिंग का चक्कर नहीं होता, ओनली वहां पर जो है वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि किसी भी साइड से अट्रैक्ट हो सकती है, सो आयनिक कंपाउंड हैज नो स्ट्रक्चर। तो ये आप आंसर करते हैं और ये कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपके जो कंसेप्ट है जस्ट आप जो है वो अगर आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से ही आप जो है वो अपने सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो आपकी जो कमांड है सब्जेक्ट पे वो 100% होती है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं और यही हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मीथेन मॉलिक्यूल एंड C2H4 मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास जो है वो टू मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारे पास जो है वो इथीन मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन है और ये हमने कैलकुलेट करनी है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसलिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगी और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सो स्ट्रक्चर ऑल्सो पॉसिबल। एंड स्टूडेंट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स, कि किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल आ सकता है आपके पास, लाजमी नहीं है कि आपके पास यही मॉलिक्यूल है, तो कंसेप्ट आपने जो है वो ये क्लियर करना है और जो मॉलिक्यूल है वो आप किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स आप आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं कि जिनकी वजह से आप उन ट्रिक्स को जो अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज्यादा ट्रिक्स यहाँ पर बताई जाएंगी जो कि आप जो है वो केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो कंसेप्चुअल स्टडी है इसको 100% आप एक्यूरेट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं ये बताएं, एक्सप्लेन SP3 हाइब्रिडाइजेशन, और साथ साथ आपने
sp3 hybridization के बारे में बताना है जो कि CH4 मीथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एंड साथ साथ आपने जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है जो कि इथीन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ मीथेन एंड इथीन में डिफरेंस भी आपने बताना है और उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन को भी आपने स्टडी करना है। तो आंसर इसका आपने जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स having same shape, size and energy is called hybridization. Simple hybridization ये है कि आपको जब भी molecules की formation होती है तो आपका covalent bond formation होता है, और जब covalent bond formation होता है तो covalent bond के अंदर हमेशा पहले एक atom का orbital भी और दूसरा जिससे overlapping करनी होगी before bond formation सबकी energy of the molecules, energy of the orbitals शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि अगर आपका सेम शेप्स होंगी, सेम साइज के ऑर्बिटल्स होंगे और सेम एनर्जी के ही ऑर्बिटल्स होंगे तो तब ही उनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। बिकॉज क्योंकि कोलियन थ्योरी भी यही बताती है कि आपके पास जो है वो डायरेक्शन के अंदर हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और उनकी आपस में ओवरलैपिंग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लाइक करती है। इसी बेस के ऊपर आपके पास डी स्टूडेंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी थे जो कि आपको जो है वो वीडियो लेक्चर के साथ जो है वो एक्सप्लेन किए गए थे, जो कि आप वहां से जो है वो स्टडी कर सकते हैं वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। और यहां पर डी स्टूडेंट आप जो है वो उसी ओवरलैपिंग को कॉन्टिन्यू किए हुए और वही कंसेप्ट आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यू। अगर आप याद रखें कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आप केमिस्ट हैं तो आप जो है वो जो नॉलेज है अपना उसको जो है वो आप रिकॉल जरूर किया करें ताकि आपके जो आने वाले वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो आपकी पहले से जो नॉलेज है उसको अप्लाई किया जा सके। बिकॉज क्योंकि ये सारी जो केमिस्ट्री है ये चेन की फॉर्म के अंदर है और आपके पास जो है वो लेक्चर एक चेन की फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए पिछले टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और केमिस्ट्री का सारा नॉलेज जो है वो चेन है, इसलिए यहाँ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यह हमेशा डायरेक्शनल होती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ बॉन्ड कोवलेंट है और कोवलेंट बॉन्ड ही हमेशा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ ये बात भी डी स्टूडेंट आपको मैं बताता चलूं कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी आएगी तो आपके पास स्ट्रक्चर ऑलवेज पॉसिबल होगी। इट मीन अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमिन करनी है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर डी स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाए आपसे, पेपर में पूछा जाए कि आप जो है वो स्ट्रक्चर बताएं, फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल की, इथीन मॉलिक्यूल की, या इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड की और वाटर की स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपसे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कराया जाए और स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कराया जाए एग्जाम के अंदर या किसी भी आपके जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर जो कि एग्जामिनर आपसे वाइवा क्वेश्चन करे ये प्रैक्टिकल, तो वहां पर भी आप हाइब्रिडाइजेशन का आंसर जो है वो यही करेंगे कि स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज जो है वो आज आपको शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आना जरूरी है। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है। अब डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन हम CH4 के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल? तो डी स्टूडेंट CH4 मेरे पास जो है वो मीथेन मॉलिक्यूल है। मीथेन में मेरे पास एक सेंट्रल एटम है जो कि कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम है जो उसके अराउंड जो है वो ऑल 4 सिंगल बॉन्ड से, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, इन कोवलेंट बॉन्ड से ये आपस में कंबाइन होते। सो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके सामने जो हाइब्रिडाइजेशन है ये जो CH4 मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल में वो एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कि आपके सामने जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 डी स्टूडेंट शो किसको करता है? तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि sp3 हमारे पास शो करता है s मीन आपके पास 1s ऑर्बिटल एंड p3 मीन आपके पास जो है वो 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर मीन ये 1s एंड 3p जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और इस तरह आपके पास जो है वो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट एनर्जी के ओवरलैप करेंगे। और इस तरह ये ओवरलैप करने से जो आपके पास जो प्रोडक्ट के अंदर जो
आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो आपके पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज वाले 4 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। यहां ये बात आप जान लें डी स्टूडेंट कि आपके पास द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। मीन कि जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो जितने बनेंगे वो उतने बनेंगे जितने आपके पास उसकी बॉन्डिंग के अंदर अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट जो है वो अपने माइंड के अंदर क्लियर करना है कि टोटल की तादाद कितनी होगी। तो यहाँ डी स्टूडेंट बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री है, इन एस पी थ्री 1 + 3 प्री हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास 4 ने पार्टिसिपेट किया है तो आपके पास डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइज में भी 4 की ही फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहाँ डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो राइट करता हूँ 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपने देखा। तो सो 1s एंड 3p फॉर्म 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सिमिलरली डी स्टूडेंट अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाहें, कैलकुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल, तो ये जो कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें हाइब्रिडाइजेशन की मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ जो ट्रिक अप्लाई करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की वो सिंपल ट्रिक है। और वो डी स्टूडेंट ये आपके सामने कि आपके पास यहाँ पर 2 ट्रिक्स जो है वो हम यूज करते हैं। देयर आर 2 ट्रिक्स टू फाइंड एनी हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल, एनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल, देयर आर 2 शॉर्ट ट्रिक्स। तो डी स्टूडेंट जैसा कि CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टडी की, ये हमारे पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। अब डी स्टूडेंट इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है वो मैं राइट करता हूं कि मेरे पास देखा जाए तो यहां पर जो है वो 1s है एंड जो है वो 3p है। तो डी स्टूडेंट 1 + 3 अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 1 + 3 जो है वो 4 आया, इट मीन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, आप इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। इस तरह से आपके सामने जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आपके पास इनकी फॉर्मेशन होगी, तो आपके पास इट मीन के जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो 1 मेरे पास जो है वो s है, एंड यू नो डेट s इज अ स्फेरिकल ऑर्बिटल शेप, कि जो s ऑर्बिटल है इसके पास जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। स्टूडेंट यहाँ ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि अगर जो है वो आपके पास जो है वो 1s ऑर्बिटल है, या जो आपके पास जितने भी p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उतने ही जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ताकि वो पेयर्ड अप हो और जो है वो स्टेबल हो सके। हमेशा द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म जो है वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम। जितने किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने ही जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर इस जो है वो एस के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एस है, एंड सिमिलरली पी डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो पी ऑर्बिटल है, और पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल है। यहाँ 3 के 3 ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये 1p जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूं, मेरे पास जो है वो पी वाई है। सिमिलरली डी स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो पी एक्स है, एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो पी जेड ऑर्बिटल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो जो है वो होती है, और ये भी डी स्टूडेंट इस तरह से जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी प्रेजेंट है। अब डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो ऑल 4 अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑफ डिफरेंट शेप्स के, ये आप देख सकते हैं कि इसकी शेप स्फेरिकल है, सर्कुलर, ये डंबल शेप के 3 हैं, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल है। दे ऑल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, ये सारे के सारे 4 के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स टुगेदर होंगे, और डी स्टूडेंट एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो सेम जो है वो शेप, साइज, एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे जो के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। और ये जो डी स्टूडेंट अभी जो आपके सामने sp के जो 3 ऑर्बिटल है, ये डी स्टूडेंट ये अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर मैं इनको कहूं तो ये मेरे पास जो है वो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है। नेक्स्ट जो है वो डी स्टूडेंट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा मिक्सिंग होकर,
आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन तो वो मेरे पास जो बनेंगे वो मेरे पास डियर स्टूडेंट ना वो स्फेरिकल होंगे ना वो डम्बल शेप होंगे, बल्कि वो इस तरह के फोर हाइब्रिडाइज 1, 2, 3 एंड 4, ये जो फोर हैं ये फोर हाइब्रिडाइज जो है वो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इनकी फॉर्मेशन हुई एंड इनके अंदर फोर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। दीज फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, आप देख रहे हैं शेप सेम होगी है, सेम साइज है एंड सेम एनर्जी है, सो दीज आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज। इनको डियर स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये मेरे पास हाइब्रिडाइज हैं और ये टोटल जो है वो फोर हैं, बिकॉज क्योंकि वन एस आप देख सकते हैं एंड थ्री पी जो है वो ऑर्बिटल हूं और ये मेरे पास वन एस जो है वो प्लस थ्री पी ऑर्बिटल गिव्स अस sp3। तो इस तरह डी स्टूडेंट ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है जो कि आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। अब डी स्टूडेंट CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह की होती है कि आपके पास हमेशा हाइब्रिडाइजेशन डी स्टूडेंट सेंट्रल एटम की होती है। याद रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है और स्ट्रक्चर भी हमेशा सेंट्रल एटम ही बताता है कि सेंट्रल एटम क्या स्ट्रक्चर जो है वो बनाने वाला है। अब डी स्टूडेंट हम मिथेन मॉलिक्यूल को लेते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो मेरे पास ये सेंट्रल कार्बन एटम है और इस सेंट्रल कार्बन एटम का डी स्टूडेंट मेरे पास वही फोर हाइब्रिडाइज में ये वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये थर्ड वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड ये फोर्थ वन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये मेरे पास जो है वो फोर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, सेम शेप सेम साइज सेम एनर्जी के और इनमें इक्वली डिस्टेंस है बिटवीन देम, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो कि जो है वो आपस में मैक्सिमम रिपल्शन करते हैं ताकि इनमें जो है वो रिपल्शन की जो फोर्स है वो मिनिमम हो सके, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रिमेनिंग है। सिमिलरली डी स्टूडेंट ये कार्बन के फोर जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो आपने अभी देखे, बिकॉज क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। वैलेंस शेल के इसके जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो 1s2, 2s2 एंड 2p2 हैं। डी स्टूडेंट ये आपके सामने जो है वो ये जो सेकंड शेल के ये जो अनपेयर्ड है, मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये 2 एंड 2 जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन से जो कि इसके वैलेंस शेल में, सो कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंसी शो करता है, 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है 1, 2, 3 एंड 4। तो डी स्टूडेंट इसी वजह से रीजन है कि कार्बन 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से टेट्रावेलेंसी शो करता है। बट इन CH4 ये ऑल 4 जो है वो sp3 आपने देखा कि ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। और डी स्टूडेंट इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है इसके जो हर हाइड्रोजन का जो हमारे पास जो है वो एटम जो है वो हाइड्रोजन का इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है जो कि इसके s ऑर्बिटल के अंदर लाए करते हैं और जितने भी हाइड्रोजन है इनके सब के सब जो है वो ऑल s ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप सेम साइज सेम एनर्जी, तो इसलिए जो है वो ये इनको मिक्सअप होने की जरूरत नहीं। अब ये 1 हाइड्रोजन का स्फेरिकल है डी स्टूडेंट जो कि अनपेयर्ड है और ये कार्बन के जिनके पास जो है वो 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डी स्टूडेंट प्रेजेंट है, सो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन के। एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट हाइड्रोजन आएगा जो कि इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा और जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये इस तरह से जो है वो आके ओवरलैपिंग करेगा, ईच जो है वो लोब जो है वो मेरे पास हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड इस तरह एस हाइड्रोजन का आएगा और ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड अप हो जाएंगे, बिकॉज डी स्टूडेंट हमेशा जो है वो बॉन्ड तभी फॉर्मेशन होता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी स्टूडेंट पेयर्ड अप हो सके, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल देन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ और ये CH4 जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऑल 4 आर सिंगल बॉन्ड, ऑल 4 आर सो सिग्मा बॉन्ड, ये सारे के सारे 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और जो है वो कोई भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो कार्बन का रिमेनिंग नहीं है, बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट सिग्मा एंड पाई के बारे में बताता चलूं कि जितने भी आपके पास हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे एंड दी अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल रिमेनिंग फॉर्म पाई बॉन्ड, और जो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा
उस पी का वो पाई बॉन्ड बनाएगा जो कि हम जैसा कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर पढ़ना चाहेंगे। तो ये सी एच फोर की स्ट्रक्चर है और डी स्टूडेंट इसी वजह से आपके सामने जो है वो सी एच फोर इस तरह से एग्जिस्ट करता है टेट्रावलेंसी की फॉर्म के अंदर और मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सी एच फोर एंड हाइब्रिडाइजेशन इन सी एच फोर जो हमने कैलकुलेट की। नाउ डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन इन सी टू एच फोर मॉलिक्यूल दैट इज इथीन मॉलिक्यूल। डी स्टूडेंट यहाँ कार्बन टू है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर फोर है। सी टू एच फोर हैज एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन क्या है डी स्टूडेंट? तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू का मतलब एस की पावर वन है एंड वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। तो डी स्टूडेंट इट मीन टोटल जो है उसके अंदर थ्री हाइब्रिडाइज एटोमिक ऑर्बिटल्स है। इट मीन के वन एस एंड टू पी जो है वो आप देख रहे हैं 1s एंड 2p जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवर लैब टू फॉर्म थ्री जो है वो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। सो जो है वो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच कार्बन एटम फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो दूसरा कार्बन भी यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ही शो करता है। तो इस तरह डी स्टूडेंट आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 फाइंड करते हैं। अब डी स्टूडेंट अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो इसके अंदर 1s है और 2p है और डी स्टूडेंट 1s एंड 2p ने हाइब्रिडाइज होकर 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। सो आपको जैसा कि बताया कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो है वो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि कोई भी एटम सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये हमेशा इज ऑलवेज ये हमेशा इक्वल होते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या मतलब डी स्टूडेंट कि मेरे पास इस C2H4 के अंदर टोटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड में अगर बात करूं तो मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 प्लस 2 टोटल 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो 3 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। और जो एक कार्बन डी स्टूडेंट अब टेट्रावलेंसी तो शो करेगा ही करेगा बिकॉज कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी कार्बन फोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। जो वन अनपेयर्ड है वो भी बॉन्डिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेगा, वो पेयर्ड अब जरूर होगा बट वो वीकर बॉन्ड से होगा, वो पाई बॉन्ड से होगा। बिकॉज क्यों क्यों रीजन पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन के थ्री हाइब्रिडाइज हो गए और वन जो हमारे पास पी रिमेनिंग था वो जैसा कि हम अभी स्टडी करेंगे वो स्ट्रक्चर वो अनहाइब्रिडाइज था। वो वन पी जो कि अनहाइब्रिडाइज था वो हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। सो डी स्टूडेंट इसी वजह से 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बनेगा। 1 इज सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन 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 दरमियान 1 सिग्मा होगा, 1 डी स्टूडेंट यहां पर पाई बॉन्ड होगा इन कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन के दरमियान 1 पाई बॉन्ड होगा और डी स्टूडेंट 1 सिग्मा 1 पाई हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो जो रिमेनिंग जितने भी हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड जो के रहते हैं मीन ऑल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सिग्मा होंगे बिकॉज हाइड्रोजन हमेशा एस ओवरलैपिंग करता है और एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बना करता है। अब डी स्टूडेंट इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 जो कि रीजन आपने कॉन्सेप्चुअल राइट करना है और यही क्वेश्चन पूछा गया, तो डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। किस तरह sp2 होगी? बिकॉज क्योंकि अगर मैं इथीन की बात करूं तो मेरे पास जो है वो इथीन मॉलिक्यूल C2H4 होता है। इट मीन इसमें कार्बन जो है वो डी स्टूडेंट मेरे पास 2 है और हाइड्रोजन मेरे पास 4 है। अगर डी स्टूडेंट हाइड्रोजन 4 होंगे तो इट मीन के मेरे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन से अटैच होंगे एंड 2 हाइड्रोजन अटैच विद अदर कार्बन एटम। सो टेट्रावेलेंसी तो हमेशा कार्बन ने शो करनी है, ये एक बॉन्ड ये 2 सेकंड बॉन्ड ये हमारे पास जो है वो। सो अगर एक जो है वो या सिंगल है तो एक डबल भी बनाया जाएगा क्योंकि ये कार्बन जो है वो इसकी भी 4 टेट्रावेलेंसी शो होती है और इस कार्बन की भी टेट्रावेलेंसी यहाँ पर शो होती है। सो डियर स्टूडेंट आपको ये बात मालूम है कि हमेशा मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी आएंगे, वन इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर इज पाई बॉन्ड। डियर स्टूडेंट जहां भी मल्टीपल बॉन्ड हो द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया है एंड द रिमेनिंग अदर बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड और जो ये बॉन्ड रहता था जो रह गया था ये पाई बॉन्ड होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट ये कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एंड इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो यहाँ पर एक सिग्मा उसने हाइड्रोजन इसके साथ बनाया, दूसरा सिग्मा इसके साथ बनाया और एक सिग्मा उसने कार्बन कार्बन के दरमियान बना दिया। सो टोटल हमारे पास जो है वो 3 सिग्मा आ गए एंड इस कार्बन ने टेट्रावेलेंसी के लिए 1 पाई बना दिया। तो ये मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर से भी हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
और यहां पर ये देखें कार्बन इसी तरह ये इसका सिग्मा सिग्मा एंड पाई दूसरा कार्बन इसी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहां पर आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो पाई है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है। जैसा कि मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है वो अगर आप देखें तो कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है इस कार्बन के पास मेरे पास जो है वो 1s जो कि ये वाला है और मेरे पास जो है वो 1 और डियर स्टूडेंट ये 2 एंड दिस इज थर्ड वन। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट ओनली ये जो 3 है ये 3 जो है वो कार्बन एटम के जो मेरे पास डिफरेंट शेप साइज एंड एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल थे ये मिक्स टुगेदर हुए और इन्होंने जो मेरे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी फॉर्मेशन की। तो ऑनली डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि उन्होंने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर हुए कार्बन के इस कार्बन के भी सिमिलरली ये कार्बन सेकंड वाले के भी एक कार्बन के जो होंगे उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कार्बन की भी होगी क्योंकि दूसरा कार्बन भी 1 पाई बना रहे और 3 सिग्मा बना रहे। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट इस वजह से जो है वो टोटल आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो है वो 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुई जो कि अभी आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये अदर कार्बन के साथ जो कि दूसरा कार्बन उसकी भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी और अदर हाइड्रोजन के साथ जो है वो ओवरलैप करेंगे जब जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ये कम्प्लीटली फिल्ड अप हो जाएंगे और जो है वो पेयर्ड अप हो जाएंगे। यहाँ पर डिस्टो आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास जो है वो 3 जो है वो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp2 होनी चाहिए बिकॉज 1s एंड ये भी p है और ये भी p है तो 1s हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s प्लस 2p तो 1s प्लस 2p गिव्स अस जो है वो sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये मेरे पास तीनों के तीनों जो मेरे पास प्रोडक्ट के तौर पर बने हैं ये तीनों डी स्टूडेंट sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह मेरे पास टोटल 3 sp2 टोटल मेरे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुई। और जितने भी आपको मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो 3 अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो सो मेरे पास 3 ही मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जो कि आपने देखा कि यहां पर 3 सिग्मा बन रहे और ये जो रिमेनिंग वाला डी स्टूडेंट ये वाला जिसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था ये वाला जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था ये ओवरलैपिंग में जरूर पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज क्योंकि इसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट डी स्टूडेंट इसी तरह दूसरे कार्बन का भी एक जो है वो पी वाला अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा वो और ये आपस में ओवरलैप करेंगे और वीक बॉन्ड की वजह से ओवरलैप करेंगे और ये मेरे पास जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ये मेरे पास वो थे जो कि अनहाइब्रिडाइज थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया ये एक कार्बन का और ये दूसरे कार्बन का और ये इस तरह से वीक बॉन्ड करके मेरे पास जो है वो 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जो कि ये वाला पाई है। तो इस तरह ये इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और डी स्टूडेंट हमने जो है वो कैलकुलेशन कर ली इथीन मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन 1 प्लस 2 गिव्स अस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। सो ये 1 पाई डी स्टूडेंट आपके सामने जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन थी। अब डी स्टूडेंट यहां मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता चलूं कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए इतनी बड़ी ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने के बजाय ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर उसके अंदर जो है वो हम शेप ड्रॉ करें और फिर हम कैलकुलेशन करें। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है डी स्टूडेंट? तो वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि देयर आर 2 ट्रिक्स आपके सामने जो है वो 2 ट्रिक्स हैं। अगर आप मालूम नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले कोई भी अगर आपके सामने मॉलिक्यूल आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इथीन मॉलिक्यूल अगर हम राइट करते हैं तो मेरे सामने इथीन मॉलिक्यूल दिया जाए जो कि मेरे पास जो है वो C2H4 है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो मैं कौन सी ट्रिक को यूज करता हूं? तो मैं ट्रिक को इस तरह यूज करता हूं कि मैं C2H4 को अगर मैं इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं 2 कार्बन डालूंगा और 4 हाइड्रोजन डालूंगा। तो डी स्टूडेंट इसकी स्ट्रक्चर आ गई। अब आप इस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन इस तरह ड्रॉ करें कि हमेशा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज से बनेगा। तो आप सिंगल बॉन्ड को काउंट करें कितने सिंगल बॉन्ड है 1, 2 और एंड डी स्टूडेंट ये एक कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है उसके साथ सिंगल बॉन्ड कितने हैं उसको आपने जो है वो काउंट करने। और डी स्टूडेंट याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूं
ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम से, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिनेंट सेंट्रल एटम से होती है, कि कोई भी मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम पर आपने फोकस करना है। सेंट्रल एटम ये कार्बन एटम है, नॉट हाइड्रोजन एटम। तो सेंट्रल एटम कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है, यहां पर सिंगल बॉन्ड वन, आप ये काउंट करें वन, सिमिलरली डी स्टूडेंट ये सेकंड टू सिंगल बॉन्ड, एंड डी स्टूडेंट यहां पर कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, टू सिंगल बॉन्ड, एंड डी स्टूडेंट मल्टीपल बॉन्ड आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड। ये हमारे पास जो है वो पॉस्टुलेट भी है कि मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा आपने सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करना है, जहां मल्टीपल बॉन्ड उसको आपने अभी है तो मल्टीपल, लेकिन इन हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में ट्रिक लगाते हुए जहां आप शॉर्ट ट्रिक को यूज करें, मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, तो आपका सिंगल बॉन्ड फिर कितने हुए डी स्टूडेंट, एक ये वाला सिंगल, एक ये वाला सिंगल इस कार्बन का, और तीसरा ये वाला आपने मल्टीपल बॉन्ड को इन हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड कंसिडर किया, तो टोटल थ्री सिंगल बॉन्ड मीन टोटल आपके पास जो है वो थ्री सिग्मा बॉन्ड होंगे, एंड टोटल थ्री सिग्मा होंगे जहां पर भी डी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से हमेशा निकलती है, बिकॉज क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वही सिग्मा बॉन्ड का रिजल्ट होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड की कभी नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड की होती है। सो आप लिखें वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, सो आपका आंसर थ्री आना चाहिए, और थ्री आता है जब आप वन प्लस टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, सो हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन इज sp2, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। सिमिलरली इस कार्बन की भी आप देखें तो वन टू सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, इस कार्बन का भी ये सिंगल, तो ये कार्बन ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, बोथ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो एक ट्रिक तो डी स्टूडियो ये होगी। अब मैं सेकंड ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूं जो कि वेरी शॉर्ट ट्रिक है, और वो ये है कि आपने जो सेंट्रल एटम है कार्बन उसके गिर्द वो एटम काउंट करें जो उससे डायरेक्टली अटैच है। ये सेकंड ट्रिक है, ये फर्स्ट ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक, तो सेकंड ट्रिक ये है कि आपने जो है वो यूज करना है कि जो आपके पास सेंट्रल का एटम जिसके आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहें, तो उस जिसके आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितने अदर एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। आपने यहाँ बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना, डायरेक्टली अटैचमेंट देखनी। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये कार्बन वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, एंड यही कार्बन आगे डायरेक्टली अटैच इस एक कार्बन के साथ है। ये आपने सेंट्रल एटम कार्बन कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला कार्बन डियर स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो है वो डायरेक्टली अटैच है विथ टू हाइड्रोजन एटम एंड ओनली विथ जो है वो वन कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच। सो वन टू एंड थ्री, तो ये डायरेक्टली अटैच है विथ थ्री अदर एटम्स के साथ। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी, तो थ्री अदर एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। sp2 को आप लिखेंगे तो आपका आंसर थ्री आएगा, वन प्लस टू तो ये थ्री आएगा। सिमिलरली अगर कोई एटम जैसा कि आप प्रीवियस उसमें आप ट्रिक लगाना चाहें, तो डियर स्टूडेंट चले हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं CH4 मॉलिक्यूल पे, तो ये कार्बन डायरेक्टली आप देख रहे हैं फोर अदर हाइड्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, वन टू थ्री फोर, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, बिकॉज sp3 का आंसर क्या आता है आप देखें तो sp3 के अंदर 1s plus 3p gives a 4, तो आपका 4 आता है, सो sp3 हाइब्रिडाइज होगी। तो इस तरह आपने ये शॉर्ट ट्रिक इस पर भी अप्लाई की जो कि एक्यूरेट है। अब सेकंड ट्रिक इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है उनको काउंट करें, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर, फोर सिंगल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड को भी आप सिंगली कंसिडर करते हैं, यहाँ है ही सिंगल बॉन्ड, तो ये ट्रिक इस पर भी है हाइब्रिडाइजेशन। तो डी स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था, आपने आज मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटरमिन और ट्रिक्स को स्टडी किया, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप अच्छी केमिस्ट्री अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से स्टडी करें, और वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपको अवेलेबल हो, और आप आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन जो है वो जारी रख सकें और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो एवरी स्टूडेंट को जो है वो अवेलेबल हो सके। इसके साथ साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।